तो गाइज हम लोग आए आज अमर सिंह पैलेस एंड यूजली मुझे बताया आप लोगों का पैलेस वैलेस या फिर पुरानी बिल्डिंग 200 साल पुरानी दीवारों पे देखने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा भी नहीं है, लेकिन देखते कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता नहीं मिलता। लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स एंड लेट्स गो इनसाइड सी द अमर सिंह पैलेस। इट्स ऑल अबाउट रॉयल्टी। तो ये है अमर महल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ऊपर रेजिडेंस भी है। तो ये राजा अमर सिंह जी ना जिनके नाम से पैलेस महल पैलेस बनवाया है जी, 1863 का बना हुआ पैलेस। हाँ जी, प्लानिंग हुई थी 1863 में जी, फ्रेंच आर्किटेक्ट है। बाहर से देखा इसका स्टाइल एकदम है ना जी, ये फ्रेंच स्टाइल पैलेस है जी। अमर सिंह सन महाराजा हरि सिंह जी, आपको पता लास्ट रूलर हमारे यही थे, जम्मू कश्मीर का विलय इंडिया के साथ करने वाले महाराजा हरि सिंह थे। अमर सिंह के सन महाराजा हरि सिंह लास्ट रूलर थे, 1947 तक इन्होंने रूल किया जी। उसके बाद इंडिया के साथ जो विलय हुआ था ना, हाँ पाकिस्तान डिवाइडेशन के बाद, हाँ जी, ये इनकी महारानी नाम तारा देवी जी था इनका जी। तो इनकी डेथ के बाद इनके बेटे जो अभी हैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी, अच्छा, खड़े हैं ना, इनॉग्रेशन करवा रहे हैं इस पैलेस को, अच्छा, म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जो टोपी में खड़े जी 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 अभी ये तो मेरे ख्याल से मिनिस्टर भी, हाँ, 3 बार सेंटर मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के फर्स्ट कांग्रेस से ही रहे ना, जम्मू कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर जी, एम्बेसडर अमेरिका में जी, इंटरेक्टिव पर्सन। बारा सिंगा यही ग्रीन फिटेज की बोतल में बना होता है ना जो स्कॉच होती है, इसमें केमिकल वगैरह लगा के इसमें केमिकल होता है ना, ये 200-400 साल तक ऐसे ही रहेगा उसके बाद भी। महारानी तारा देवी महाराजा हरि सिंह की पत्नी ना, हाँ जी, वो रहती थी यहाँ पे, ये उनका पूजा का सामान है उसका। छोटा नहीं है कमरा, ठीक है, इससे आधे कमरे में तो मेरा ही है दिल्ली में। तो ये देख रहे हो ये मंजी है, मतलब मैं मान नहीं पा रहा कि महारानी भी मंजी यूज करती थी, मंजी मतलब, लेकिन ये फैंसी मंजी है। और ये पुराने जमाने का पंखा, ये पंखा भी कितने साल पुराना है, ये महारानी के टाइम का है, महारानी अब नहीं रही, नहीं ये 1967 में एक्सपायर। वेरी गुड, मतलब नॉट वेरी गुड, मतलब हरि सिंह की पत्नी जी जी, हरि सिंह लास्ट महाराजा थे जम्मू कश्मीर। गाइस ये देखो ये थाईलैंड से, हम भी जब जाए थाईलैंड तो यही सेम लेके आएंगे, गोल्ड प्लेटेड वो तेरी स्टाइल जी। गाइस ये ओल्ड हिस्ट्री है, मतलब आपको अगर नहीं पता कि पहले जो बहुत अमीर होते थे उनके ऐसी सब चीज़ होती थी, आम आदमी तो नहीं देख सकते थे, हमने पहली बार देख रहे हैं। अब तो MP3 प्लेयर्स आ गए, बट पुराने टाइम पे जो बहुत रिच फैमिली के होते उनके पास ये चीज़ होती थी। और ये भी बहुत पुराने टाइम का है, ये जैसे इसको उठा के इसको ऐसे लगा के ये पी 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 बजता था। हाँ जी हाँ जी, तो देखो ये म्यूजिक का प्लेयर है, ये इट्स वेरी नाइस, मतलब इसमें चाबी भरते हैं ये प्ले होता है। अभी तो छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स का बजता है, और देखो कितना बढ़िया है, मतलब दिस इज लाइक अ एंटीक, मतलब ऐसी चीज़ें पहली बार देख रहा हूँ मैं अभी। तो गाइस ये देखो ये है वॉशरूम, काफ़ी लग्जरियस है। देखो उस टाइम पे भी यहाँ पे कमोड था उनके पास, ये फायर प्लेस है, ये उनके कुछ परफ्यूम जो ख़त्म हो गए हैं, ये बाथटब है जो विच इज़ लाइक अनकैप्ट एंड वेरी डर्टी एंड काफ़ी अच्छा। ये लंदन से बाहर से है, ये टाइल वगैरह जो आई है 150 साल पुरानी है। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब दिस इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड म्यूजियम, नॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टिल अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मेरे को पता लगा कि ये महाराजा जी का जो घर है वो अलग था, रानी साहब का अलग था। तो ये रानी साहब का घर मेंटेन करा गया, राजा साहब का जो घर था उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया, जो कोविड के चक्कर फिलहाल बंद है। मैंने जितने भी पैलेसेस देखे उस हिसाब से ये काफ़ी छोटा है, बिकॉज ऑन द हीरो हो सकता है या फिर वट एवर रीजन, बट अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत है काफ़ी। ये कितना पुराना है, कितने साल पुराना है ये? 1863 का बना हुआ है, ठीक है, मतलब 150 साल पुराना है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम फ्री हो और आपको लगे कि यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, मतलब नॉट लाइक मी, यू कैन कम एंड एंजॉय हिस्ट्री, कि क्या ये आपको बताना चाह रहे हैं, मतलब हिस्ट्री इज नॉट एग्जैक्टली हिस्ट्री जो देखो दो टाइप की हिस्ट्री होती है, एक जो राजा महाराजा खुद लिखते हैं और एक्चुअली में जो हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पे वो हिस्ट्री जो राजा महाराजा ने खुद लिखी है, नॉट बैक बाय एनी फैक्ट और एनीथिंग, फुल डिस्क्लोजर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नथिंग फैक्ट बाय आर्कियोलॉजिकल, इनका खुद का म्यूजियम है, खुद की बातें खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही जाने, हमें नहीं पता कोई, अब मत बोलना कि किसने क्या करा। तो दिस इज़ नॉट आर वर्ड्स, ये इनके जो बंदे थे जो जिन्होंने पैसे हमसे लिए और बता रहे हैं, तो ये उनके फैक्ट्स हैं, हमें नहीं पता क्या चीज़ें। आपके पास अगर टाइम हो तो आप आ सकते हो, देख सकते हो, थोड़ी सी जगह, 5 मिनट का टाइम है, 125 रुपये लग रहे हैं, होटल बंद है, बोलने के लिए एक आइटम नहीं ऐड कर सकते हो। तो चले गाइस, गर्मी काफ़ी है, और देखते हैं कुछ खाने पीने को,
जम्मू में घूमने लायक टेम्पल सिटी है, पर हम रोज़ नॉनवेज खा रहे हो तो टेम्पल्स घूमा नहीं पा रहा मैं आकाश ढंग से। पर ट्यूजडे को हमने नहीं खाया था, तो ट्यूजडे को हम गए थे देवी पे। तो गाइस सबसे पहले जो सीक्रेट है, जैसे दिल्ली का बटर चिकन है, अमृतसर का कुलचा है, वैसे खट्टा मीठ जम्मू से है। एंड ये अनारदाने का काफ़ी अच्छा फ्लेवर रहता है इसमें, और शौकीन है यहाँ के लोग अनारदाने में हर चीज़ डालते हैं, मतलब कुछ चीज़ें बनती है खट्टे आलू बनते हैं, अनारदाने का फ्लेवर रहता है। तो ये इसमें लोहे का ही, ये लोहे की ही कढ़ाई या फिर लोहे का पैन यूज़ कर रहे हैं कि फ्लेवर उस हिसाब से है। तो हम लोग इस वक्त रमाडा होटल के अंदर हैं और ये सारा उन्हीं का स्टाफ और सेटअप है जो ये बना रहे हैं। तो देखो क्रैकल हो रहे हैं ये मेथी दाना, और काफ़ी अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ गया ऑलरेडी इसमें अनारदाना पेस्ट, मतलब ये बस अनारदाने को पानी में उबाल के उसका पेस्ट है। तो जो खटास होती है ना वो इससे आती है, एसिडिटी विच कम्स इन खट्टा मटन इज फ्रॉम दिस वन। तो गाइस ये देखो ये खट्टा मीट एंड काफ़ी स्पेशलिटी है, ये यहाँ के लोकल एरिया का राजमा राइस है। आप कोई भी कुजीन जम्मू की बिना राजमा कंप्लीट नहीं कर सकते। ये है खट्टा मीट जो हमने देखा था बनते हुए, कितनी इसकी इंटेंस ग्रेवी है, बिल्कुल हटकर डिश है। और एक खट्टे आलू भी आते हैं, जब हमने प्रीवियस वीडियो में मेंशन करा था आपका गला ख़राब हो कुछ हो तो आप खट्टे आलू खा लिए आपका गला ठीक हो जाएगा। ये देखिए ग्रेवी देखिए बस आप, ये यहाँ पे लोकल मटर पनीर भी चलता है, बहुत बढ़िया है सैलेड, और साथ में रायता भी है। शुरुआत करते हैं लच्छा पराठा से, पहले स्टार ऑफ द डिश जो है, मतलब जो इस पूरी इसकी स्टार है वो है खट्टा मीट, इसको खा के देखते हैं। देखिए बोन इतने अच्छे से बना मटन के, जस्ट लीविंग द बोन, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है मटन की। वैसे इनकी किचन का खाना काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे लॉकडाउन 7 बजे लग रहा है जम्मू में एंड हमें डिनर होटल के अंदर करना पड़ता है। मैं ये रहा 5वां दिन मैं स्टे कर रहा हूँ, और मैंने इनकी काफ़ी डिशेज रूम सर्विस में टेस्ट करी है। इवन आई वुड रिकमेंड इनका बटर चिकन काफ़ी अच्छा है, अब तक का बेस्ट बटर चिकन है जो मैंने जम्मू में टेस्ट करा है रमाडा का। आप रमाडा से हो तो यहाँ का फूड जरूर चेकआउट करना, द फूड इज़ रियली अमेजिंग। एंड मटन खट्टा मटन जरूर ट्राई करो, राजमा भी अच्छे हो ये भी अच्छा है, मतलब द फूड ओवरऑल क्वालिटी एंड हाइजीन इज़ वेरी नाइस। एक चीज़ है, यहाँ पे अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो आपको किसी को बुलाना हो ये करते हो। एंड अभी हम मंगवा रहे हैं खीर, तो अब आएगी खीर, लास्ट चीज़ इनकी खीर टेस्ट करते हैं। ये देखिए गाइस इनकी खीर है, केसर का पूरा पूरा इसमें कलर है, ये देखो कंसिस्टेंसी, खीर इज ब्रिलियंट। My overall experience with the food at Ramada is very nice. Especially जो अभी हमने डाइनिंग एक्सपीरियंस करा है, यू शुड ऑल्सो कम टू Ramada फॉर डाइनिंग। अगर आप जम्मू से हो, बाहर से हो, तो यहाँ पर खाना जरूर खा के जाओ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज टू हैव फूड इन जम्मू सिटी। वाह ये गाइस ये देखिए, ये है यखनी, ओए होए होए मटन यखनी, मज़ा ही आ गया देख के। ये है मटन कोफ्ता गाइस, ओए होए ये देखिए क्या रिच लुक है। ये पारस नाम का जो ढाबा है, ये है आपका मंथल वाले हाईवे पे जो कतरा की तरफ जा रहा है। तो हम लोग मंथल वाले की साइड इसलिए आए बिकॉज बीइंग अ टूरिस्ट आप बाहर ही खाना प्रेफर करोगे, जहाँ पे गाड़ी आपकी बाहर लग सकती है। तो ये कितने महीनों के चालू करेगी? चार साल। तो इसी लोकेशन पर आया, हम चाहे तो ओल्ड में भी जा सकते थे, बट दिस इज फॉर द टूरिस्ट। अरे वाह ये है रोगन जोश, मटन रारा बनाने का देखो, ये चिकन के पीसेस है विद स्किन, और ये फ्रेश है। एंड इसको यहाँ पे फ्राई करा जाता है, फिर इसको फिनिश करा जाता है इस ग्रेवी में। ये रारा की ग्रेवी है, ये देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ पीस, ये देखिए दिल खुश हो जाएगा आपका। वो नॉन वेज है वन, ये देखिए थोड़ा ग्रेवी ऊपर डाल के दिखाता हूँ, मजा ही आ जाए देखिए। ये है चिकन की ग्रेवी जो बना के रखी है रारा की।
तो गाइज ये देखो कितना बढ़िया तरीके से कलौंजी वाले कलौंजी लगाई इन्होंने नान के ऊपर, यह बटर नान के। भैया क्या कितने पीसेस डालते हैं उसमें एक पोर्शन में? एक प्लेट में 6 पीस डालते हैं। तो ये डल रही है इसमें ग्रेवी, ये राड़ा की प्याज की मिठास होती है ना मेन तो राड़ा के अंदर, खड़े मसाले प्याज लच्छा परांठा बन रहा है हमारा। ये सरसों लगाई है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं सरसों पहली बार लग रही है। ये जाएगा अवन के अंदर अब। तो ये क्या कर रहे हैं अभी, इसकी लेयरिंग करेंगे कि लच्छे आए। ये देखो उस पर अब लौंजी लगाई जा रही है, लौंजी और तिल। फिर ये इसमें लग गया, अभी मेरा आगे जितना सामान पड़ा ना, दैट इज द मटन हेवन। ये है आपका मटन कोफ्ता, ये है यखनी मटन, ये है आपका खट्टा मटन, ये है चिकन राड़ा, ये है मटन रोगन जोश, और ये जो कलौंजी वाला परांठा है मेरे पास। ये बाइट ली, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग राड़ा, राड़ा से करूँ कोफ्ते से करते हैं पहले। ये देखिए कोफ्ते का पीस बनाया, और ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे बकरे का साइज होता है से काफ़ी अलग होता है, बड़ा होता है पहाड़ी खुराक के साथ, तभी बड़े बड़े पीसे है मटन ही बोलते हैं, मटन बाहर से नहीं लेते खुद लेते खुद काटते हैं, बस स्वाद है इसका। ये है मटन कोफ्ता। चलते हैं अब यहाँ की लेजेंडरी डिश पे, जैसे खट्टा मटन। खट्टा मटन जो होता है ना उसमें अनारदारा गुड़ पड़ते हैं, और ये जम्मू की खासियत है, डोगरा कुजीन कहते हैं इसे। मैंने ऐसा मटन नहीं खाया जो खट्टा मटन है। बड़ी जल्दी आपको खट्टे मटन की रेसिपी भी दिखाएगी। अब ये देखो यखनी, ये देखो पीस में कितना माल है, थोड़ा ग्रेवी लगाई और पूरे मज़े हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ इनका सिटी में भी है, हम सिटी क्यों नहीं गए, कोई गाड़ी नहीं जा सकती, पहले जाना पड़ता गर्मी थी, और बीइंग अ टूरिस्ट आप भी नहीं जाओगे, लोकल जाओगे और बीइंग अ टूरिस्ट नहीं जाओगे, तो वो दिखा रहे जो बीइंग अ टूरिस्ट आप जा सको जो ब्रांच में। अब मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा जो मुझे अच्छी लगी, सबसे पहले खट्टा मीट, फिर कोफ्ता, उसके बाद आप खाइए ये रोगन जोश। मतलब ये टॉप क्लास डिशेज है, मतलब मज़ेदार, मतलब इतनी अच्छी ग्रेवी नहीं खा रखी मैंने, मज़ा आ जाएगा। बाकी यखनी का टेस्ट हो और चिकन खाना तो खाओ, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेड है। आप भी आ सकते हो, आप भी आ सकते हो पारसराम कटरा हाईवे पे, खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बढ़िया नॉनवेज डिश। ढाबों के मालिक की कहानी तो हमने काफ़ी बार सुन रखी होती, बीच में एक कहानी फेमस हुई थी जहाँ पर ढाबे के ओनर की आप सबने मिलकर हेल्प करी थी। आज एक ऐसे ओनर है जिनको मैं बोलूँगा ये सोनू सूद ऑफ ढाबाज है, जो ओनर्स में आते हैं, ये खुद फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं शुगर की, बीपी की, उसके बाद हेमरॉइड्स की, उसके बाद ये यात्री जो रिलीजियस पर्पज से जाते हैं पैदल या साइकिल में वैष्णो देवी माता की यात्रा करने के लिए, या फिर जितने भी तीर्थ स्थल है उनको फ्री में भोजन प्रोवाइड करते हैं, बड़े नेक इंसान है, इनसे बात करेंगे। लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए वीडियो जितनी हो सके ना पूरा दम लगा देना, शेयर करना। सो गाइड हम लोग आया केवल किशन जी के ढाबे में, ये ढाबा काफ़ी फेमस है, रेडिसन के ऑपोजिट है, वो ये कहते हैं कि रेडिसन के जो रहते हैं गेस्ट वो भी हमारे यहाँ से खाना खाते हैं, रेडिसन के जो स्टाफ है वो हमारे यहाँ से खाना खाते हैं, और जितने भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सरकारी जो स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं आसपास, जम्मू में तो सिक्योरिटी ज़्यादा होते हैं, वो भी यहाँ से खाते हैं। कुछ पुलिस वालों से हमारी बात हुई ऑफ कैमरा, उन्होंने मैंने बोला जम्मू में बेस्ट ढाबा कौन सा, बोलता यही है, हम इसके अलावा कहीं नहीं जाते, दिस इज़ द बेस्ट ढाबा इन जम्मू। सो लेट्स चेक दिस आउट एंड ओनर से बात करते हैं कि क्या राज है और क्या चीज़ें अच्छी मिलती है केवल किशन जी के ढाबे पे। कितने साल हो गए इसको? इसलिए बोलते हैं कि खंड मीठे लोग हैं, यानी जम्मू के जो जितने भी लोग हैं अच्छे हैं और मीठे हैं, मीठी बात करेंगे, ये नहीं है ओए क्या है ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन मीठे आप भी मीठे हैं, जैसे आप हम मीठा ही खाते हैं तो मीठे ही बोलेंगे जी।
आप भी जम्मू से हैं? हाँ जम्मू से। जम्मू में कितने साल से? जब मैं पैदा ही जम्मू में हूँ तो कितने साल ढाबे से पहले काम करते थे? पहले गाड़ी चलाते थे, ट्रक चलाते थे जी। तो ढाबे का कैसे शुरू करा? ये ऐसे ही है, ऊपर वाले का कुछ परमात्मा की देन हो गई, मेरे को खाना खिलाने में बड़ा मज़ा आता है, जो भी खाता है अच्छा खिलाऊँगा तो सभी बंदे खुश हो जाते हैं, बाटिया खाना खाया तो ऐसा तो क्या तारीफ करें अपने मुँह से, जो कुछ खाए तो वो ही बोलेगा वहाँ पे अच्छा है कि नहीं अच्छा है, फिर मज़ा होता है, ऐसे अपने मुँह से तारीफ कर सकते हैं। आप कौन से रूट पर ट्रक चलाते थे? मैं साउथ में, साउथ में हैदराबाद। तो वहाँ पे ये खाना मिस करते थे, ये जो अपना जम्मू का खाना? जम्मू वाला खाना नहीं उधर मिलता, उधर तो मतलब वो फुलके देते थे बस, दाल चावल दाल ही मिलती थी, दाल ही मिलती थी बस। तो आपको लगता था ऐसा ढाबा साउथ में भी होना चाहिए? नहीं ढाबा बस मैं उधर हमारे रास्ते में ना गुरुद्वारा पड़ता था, वहाँ जाता था, वहाँ दो दो दिन सेवा करते थे, कुछ लगनी ऐसी हो गई कि खाना खिलाने में मेरे को बहुत ही मज़ा आता, जो भी कुछ खाए तो जब बोले भाई यहाँ वाकया खाना है, फिर मज़ा आया। पैसे लेकर को लोग खाना तो खिलाते हैं लेकिन ऐसा खाना नहीं खिलाते ना, पैसे लेकर नहीं खाना खिलाते। मतलब आप बोलो कि गुरुद्वारे में सेवा करके आपको एक लगन हो गई, लगन से ही ये काम स्टार्ट करा। और मैं देख रहा हूँ आपकी क्वालिटी काफी अच्छी, मतलब देसी घी तो ऐसे डाल देते पानी हो, ज्यादा पैसे भी क्या करने हैं, ज्यादा पैसा तो सिर पे अजरानी भी पैसे मांगती, बच्चे कोई बोलेगा ये लेना है वो लेना है, इतने मैं तो बोलता हूँ ऊपर वाले को भी इतने ही जो जितने से गुजारा हो। मैं देखा आपका रिश्ता मतलब खाने का पैसे से नहीं है, आपका ये है कि बंदा खा के बोले वाह मजा आ गया। 4 साल और जीना है मैंने पैसे में। क्या उम्र आपकी? मेरी अभी हुई 67 हो। तो बस 70 की उम्र है? 70 में चला जाना, बाद में कोई सेवा सेवा नहीं करता, मैंने देख लिया बहुत लोगों को देखा है, माँ बाप की सेवा कुछ नहीं करता, कोई होता है जो 100 में से एक दो होगा जो सेवा करते हैं लेकिन आजकल सेवा नहीं करते, अपने सिर पर जितनी जब जीऊँगा तो अपने सेवा, उसके बाद मैं ऊपर वाले आगे भी दुआ करूँगा भी संभाल। तो आपने 67 के लग नहीं रहे मतलब मैं भी मेरे को बीमार हो गया, कोविड हो गई थी, यानी कि बुखार आ गया था, निमोनिया हो गया, उसकी वजह से एक महीना तो मैं घर आया ही नहीं था, घर से नहीं पानी, उसकी वजह से बिल्कुल डाउन हो गया, अभी थोड़ा ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, पहले तो फिर भी नहीं जाता था मेरे से। तो बच्चे नहीं करते ये काम? बच्चे एक लड़का है ना साथ। अच्छा वो लगा हुआ है ना? वो अभी आया नहीं, वो आएगा 12 बजे नहा के। अच्छा बच्चों में टाइम है, फिर वो 6 बजे शाम को 4 बजे आएगा, शाम को जब खाना खुना तैयार कर लेते। अच्छा अच्छा, आज मैं यहाँ बोल वो नहीं आया तो मैं ऊपर गया भी नहीं, मंडी का भी काम मुका गया है ना, फिर ऊपर खाना मैं तैयार साथ में कर, खाना मेरे हाथ में बढ़ता है, प्रॉब्लम होगी पहले चेक करूँगा, चेक करने के बाद नीचे आता। और ये जो खाना रेसिपीज है ये कहाँ से है, मतलब आपने कुछ ये रेसिपीज जो है? अरे तो बोला तो है ऊपर वाले की देन है, बल बाबा जी की देन है, ऊपर पीर बाबा की जगह हम सेवा करते हैं जी, दवाइयां लोगों को फ्री देता हूँ। अच्छा जी, बाबा शिव की देता हूँ, शुगर की देता हूँ, गैस की प्रॉब्लम हो किसी को बहुत देता हूँ, हार शो किसी को बहुत देता हूँ, पतली की भी बनाता हूँ, फ्री है, यानी कि कोई किसी से कोई एक रुपया नहीं लेता, एक रुपये का ग्लास की मैं पेशेंट का अगर आपको दवाई दूँगी, निःशुल्क सेवा, यात्री कोई भी आएगा, कोई भी यात्री हो, कोई भी उनको रोटी फ्री है, पैदल जाने वाला यात्री, साइकिल वाला हो, रोटी फ्री है। अच्छा, दूसरे नंबर कोई प्रॉब्लम पड़ जाए किसी गाड़ी वाले को, बाहर की गाड़ी हो, कोई भी प्रॉब्लम पड़ेगी पूरी सहायता दे। मतलब मैं बोलता हूँ आप जम्मू के सोनू सूद हो? हैं तो ना हो सकते, नहीं मतलब आप काम तो वही कर रहे हो हीरो वाला, लड़के भी ऐसे ही करते जी, बहुत बढ़िया। चलिए खाना देखते हैं आपका क्या क्या बना रहे हो, खाना डिस्कस जी जी, पूरी भी खाऊंगा, आप खा के बोलना कि वाकया खाना है कि आप बोलेंगे क्या मजा नहीं आया तो बोल के ठीक है, जी जी ओके जी। ये आगे पहले नंबर नान, आलू वाला नान, ये आलू पनीर का नान है हमारा, ठीक है, स्टेप हो गए होगा इसमें, स्टेप भरेंगे पूरा, फिलिंग पनीर की होगी, फिर इसके ऊपर मसाला लगेगा हमें, जीरा तिल खसखस सब इसके ऊपर आएगा, और इसमें चिकेंदर भी लगेगा मसाला, नंबर वन ये लच्छे वाला बनेगा। अच्छा ये आ गई हमारी दाल मखनी जी, ये इसमें थोड़ा घी आ जाएगा, ये आ गई हमारी चटनी प्याज वगैरह, ये सामने बनता है जो भी चीज़ है इसमें कोई कोई चीज़ की हेरा फेरी नहीं होती है, ये आ गया तुम्हारा काजू बादाम वगैरह, छुहारे छुरे सब के बीज डालो, कुछ काजू बादाम वगैरह क्या है सब कुछ है इसमें, काजू है बादाम है। एक चूड़ी कितने की देते हो आप? ये 4 रुपये की देते हैं। बहुत बढ़िया।
बढ़िया, मतलब चेक करो, मतलब ऐसी चूड़ी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। अब खा के देखो तो फिर पता आएगा। ठीक है गाइस, ये देखो ये इनका खाना फाइनल लग चुका है। एंड ये सबसे पहले ये कारून का पराठा पूरा देसी घी में भरा हुआ है। ये सब्जी है, करेले की सब्जी है। एंड में जो सार नोट है एंड में हिट करा है, वाओ, मैंने इससे बढ़िया करेले नहीं खाए कभी लाइफ में। ये भी ये कह रहे हैं वाओ मज़ा आ गया, ये ना निकले तो इनका खाना खाना लोगों का खाना खाना बेकार है। जम्मू के फेमस राजमा देसी घी में डूबे, टू गुड। प्योर आटे की मैदे की नहीं है ये रोटी, दाल में अलग एक टेस्ट है, खुशबू देसी घी की। देखो मैं प्राइसेस की बात नहीं करूँगा, बिकॉज प्राइसेस यहाँ पे रीजनेबल ही हैं। एंड मुझे पता है आप लोग यहाँ पे प्राइस के चक्कर में नहीं आओगे, और ढाबा प्राइस के चक्कर में कौन जाता है, ऑलरेडी चीप होता है वो, मतलब ऑलरेडी इकोनॉमिकल होता है। एंड ये चूड़ी खा रहे हैं जो यहाँ की यूनिक आइटम है। अरे वाह, इसमें ना जो मिठास है ना, जो ऊपर से टेक्सचर डाले है, ये अलग ही एक लेवल की है। मतलब मैंने ऐसी चूड़ी नहीं देखी, मतलब इसकी मैं तारीफ करने के लिए पूरा एक एपिसोड बता देता हूँ कि अगर सिर्फ इसकी हम लोग वीडियो बनाएं, इतनी टेस्टी है। इसमें नारियल है, ड्राई फ्रूट्स है, घी है, और जो पूरा क्रिस्पी पराठा है वो है। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो। ओनर से जैसी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको कोरोना था, फिर रिकवर करे। आई थिंक कोरोना के बाद एक लाइफ की ना उम्मीद थोड़ा वो बोलते हैं कि मैं 3-3.5 साल ही जिंदा रहना चाहता हूँ। आओ उनसे बात करूँ। एंड आई थिंक वी शुड इनकरेज सच पीपल कि वो लोगों को इंस्पायर कर सके। जितना हो सके उतना शेयर करो, मेरी आज आपसे यही रिक्वेस्ट है। टेक केयर गाइस। ये है कश्मीरी एप्पल का, तो मुरब्बा जो बनता है, मैं हाथ से ले लेता हूँ, रुक जाओ। जो मुरब्बा बनता है उसमें क्या करते हैं, शुगर के साथ इसको बॉईल करते हैं। चीनी में बनता है ये। हाँ। ये उसका रस निकाल देते हैं, ट्राई करके बेचते हैं। ये जो है ये है नेचुरल कैंडी, नेचुरल कैंडी, वेरी इंप्रेसिव। तो गाइस ये था मंथल के अंदर द पिकल हेवन बाबास के पिकल। और एक बार लोकेशन बता दो, क्या पड़ती है, दुकान नंबर बता दो आप। हमारा ये है ये क्यूरियो पिकल शॉप है। अच्छा, तो हमारा ये ब्रांड है, ये देखो आप, ये बाबा के नाम से, बाबा मंथल का अचार है, ये हमारा लोगो है ना। राइट, ये हमारा ये ब्रांड है बाबा मंथल का अचार के नाम से फेमस। तो आप भी आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बढ़िया पिकल मंथल के अंदर, ऑन द वे टू कटरा उधमपुर कश्मीर रोड नेशनल।